फिर से एक बार यूनियन बजट 2019 सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस कुड सून टेक ऑफ इन इंडिया। पहले हम न्यूज़ पढ़ देंगे, फिर उसका मैं संक्षिप्त हिंदी में एक सारांश आपको बताऊंगा कि कौन लोग अपनी कंपनी लिस्ट करा सकते हैं, कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं, और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है बहुत लोगों को संभवतः ये लगता हो कि आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखिए, हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन है, अगर आप नए हैं, नहीं किया है या फिर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर, हमेशा आप हमारे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, द इंडियन मार्केट्स कुड सून द इंट्रोडक्शन ऑफ द सो कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस विच इनेबल इन्वेस्टर्स टू मेक इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। It's a time to take our capital markets closer to the masses and meet various social welfare objectives related to inclusive growth and financial inclusion, said Finance Minister Nirmala Sitharaman in the budget speech. The proposed exchanges will be regulated by SEBI and will allow the listing of social enterprises and voluntary organizations. ये बिल्कुल SEBI के द्वारा ही नियंत्रण में होगा, SEBI के रेगुलेशन में। और इसमें किस प्रकार की कंपनियां रहेंगी, जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि सोशल फाउंडेशन होती हैं, ट्रस्टी कंपनीज होती हैं, या फिर नए स्टार्टअप्स कोई शुरू करना चाह रहा है, या फिर कोई यू नो एंटरप्रेन्योरशिप कोई करना चाह रहा है, तो ऐसे सामाजिक कार्यों में जो फाउंडेशंस या सोशल वर्कर्स या सोशल वर्कर के रिलेटेड कंपनियाँ जो लिप्त हैं। अब होता क्या है कि ऐसी संस्थाओं के पास जनरली फंड नहीं होता, क्योंकि ये अच्छे काम करती हैं, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे किसी अवेयरनेस को लेके हो, किसी जागरूकता को लेके हो। तो ऐसे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे कार्य करती रहती हैं, तो उनके पास जो फंड आता है वो सिर्फ क्राउड फंडिंग से आता है। आपको भी बहुत सारे कॉल्स कभी कभी आते होंगे कि फलां बीमारी के लिए किसी को पर्टिकुलर ब्लड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, डोनेशन की ज़रूरत है। तो इसमें होता क्या था अब तक कि बहुत सारे जो डोनर हैं, जिनको टैक्स के तहत छूट भी मिलती है ऐसी ट्रस्टीज़ कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस वजह से कुछ लोग डोनेट भी करते थे। अभी क्या होने वाला है कि ये वैसा ही एक्सचेंज होगा जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा इंडिया में, जिसमें जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो इच्छुक हैं, वो इक्विटी खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, और जिस भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो भी आपको जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फाउंडेशन आपको अच्छा लगेगा, आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, इक्विटीज़ खरीद सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कंपनी बहुत दिनों से बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार वो उसके आपने काम की लिस्ट देखी, उसकी वेबसाइट पर सब कुछ देखा, उसके बारे में जाना, तो आपने उसके शेयर्स ख़रीद लिए। तो इससे होगा क्या कि उनको इक्विटी के माध्यम से वो फ़ंड रेज कर सकते हैं, डेट के माध्यम से फ़ंड रेज कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट के माध्यम से वो फ़ंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है नेशनल या एनएससी या बीएससी में भी। तो सेम उसी प्रकार का होगा, और ये सिर्फ सामाजिक कार्यों या जो फाउंडेशंस या फिर सोशल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड होती हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। फर्दर आगे हम बढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड एंटिटीज वर्किंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव विल बी एबल टू रेज इक्विटी फंड एंड डेट थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली। देयर आर अ फ्यू सच एक्सचेंजेस सच एज सिंगापुर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज एशिया एंड लंडन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब लंदन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर में भी है। दीज अलाउ फर्म्स ऑपरेटिंग इन सेक्टर्स सच एज हेल्थ, एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रेज रिस्क कैपिटल। तो इन सेक्टर्स में काम करती हैं, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक कार्यों में अलग अलग, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पर्यावरण, इन सब में जो भागीदारी है उनको लिस्ट किया जाएगा। द सोशल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इज एन इनोवेटिव मेजर टू इन्वॉल्व पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सोशल कॉजेस थ्रू द इक्विटी रूट, सेज पुनीत माहेश्वरी, डायरेक्टर एट स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट। से सेबी कुड अलाउ कंपनीज विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड टू एक्सेस पब्लिक कैपिटल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अभी होता क्या कि बहुत सारे ट्रस्टी कंपनियां, आपको तो पता ही इंडिया में कितनी सारी हैं, कुछ लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खोल के रखे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखे हों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा।
तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो बहुत अच्छे अच्छे काजेज काम अच्छे अच्छे करते हैं, और उन कंपनियों को वरीयता दे के वहाँ पर लिस्ट किया जाएगा, इससे वो फंड रेज कर सके और आगे भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको किसी प्रकार की जो बाधाएं आती हैं वो ना आवें। तो इसलिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट तरफ से इनिशिएटिव यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। तो ये बेसिक फंडा है। अब इसमें ये देखना होगा कि अभी जब तक ये प्रॉपर शुरुआत इसकी हो नहीं जाती कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि NSE और BSE में है, कौन कौन लोग इसमें कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, फॉर्मेट तो वही होगा जैसे इक्विटीज़ का सारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कुछ गाइडलाइन होंगी क्योंकि अभी जो इस समय वर्तमान BSE और NSE है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला, बहुत सारे इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेड के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इंट्राडे के, अब उसमें इंट्राडे होगा कि नहीं होगा, और सिर्फ इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं या रिटेल्स ही कर सकते हैं, या क्योंकि होता क्या है कि उनका इतना छोटा, क्योंकि छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनियां तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, वो तो एक सामाजिक कार्यों में लिप्त होंगे, तो उनमें जो रुकावट ना है इसलिए उनके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा। और डेफिनेटली जो लोग ख़रीदेंगे, जिनको लगेगा, वो शेयर्स खरीद खरीद के मुनाफा भी कमाएंगे और एक अच्छा काम भी हो जाएगा कि वो इसी बहाने इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ऐसी कंपनियों में, जिससे कि सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। बेसिक चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी कुछ अपडेट इसके बारे में आता तो ज़रूर हम आगे करते रहेंगे। फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।